वेलकम टू आवर चैनल खाना हंगामा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हुनवान यानी कि चाइनीज़ फ्लावर बॉल्स बना रहे हैं आज। उसके लिए आधा किलो मैदा लिया है। इसमें डाल रहे हैं हम 5 ग्राम चीनी यानी कि 1 टीस्पून, 5 ग्राम ईस्ट अगेन 1 टीस्पून, और ये मैंने 300 ग्राम गुनगुना पानी किया है। इससे मैं इसे माड़ दूँगी। तो पहले मैदा माड़ लेते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। देखिए कितना परफेक्ट जो है हमारा आटा नीड हो गया है, ये देखिए। और अब हम इसको एक बड़े से रेक्टेंगल में रोल कर लेंगे यानी कि बेल लेंगे। तो पहले इसको बेल लेते हैं, फिर हम इसके स्टफिंग बनाएंगे। इसे हमने बेल लिया है। यहाँ पर आधी शिमला मिर्च छोटी वाली बारीक कटी हुई है, 2 स्प्रिंग अनियन बारीक कटे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1 चम्मच है टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। उसके अलावा कैरेट देखिए कितनी बारीक काट के रखी है, और साथ में हरी मिर्च 2। यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल हीट हो रहा है। ऑयल हीट हो जाएगा तो पहले इस ऑयल को डालेंगे स्प्रिंग अनियन के अंदर, उसके बाद कैरेट, हरी मिर्च, नमक और बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल में साइड में बुलबुले आने लगे हैं, यानी कि ये गर्म हो गया है। तो मैं इसको बंद करके ये सब मिक्स करती हूँ। देखें, ये पहले हम इसमें डाल रहे हैं हॉट ऑयल, उसके बाद इसमें जाएगा कैरेट और हरी मिर्च। ये डाल दिया कैरेट और हरी मिर्च, अब जाएगा नमक और बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम ये मिक्स हो गया, इसको इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर दे सकते हैं। तो अब इसको स्प्रेड कर लेते हैं। इसे देखिए, वैसे तो मैंने स्प्रेड कर दिया है बट पूरे में अच्छे से नहीं हुआ है, बीच बीच में खाली है, आप देख सकते हैं। तो कोई भी ऐसा स्क्रेपर या आप कोई पलटा वगैरह कुछ भी लेकर और इस तरीके से करके इसको देखिए, इस तरीके से करके आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं ताकि हर जगह पे ये इवनली फैल जाए। इससे क्या होगा कि जो आपका नमक वाला ऑयल है वो भी फैल जाएगा, और कहीं अगर बाय चांस सब्जियां थोड़ी सी रह गई नहीं हुई तो एटलीस्ट जो है उसका सॉल्ट का फ्लेवर उसमें आएगा। सब्जियां भी होंगी ही वैसे तो, बट स्टिल ये देखिए ये कितने अच्छे से स्प्रेड हो गया इससे। तो अब इसका आगे का प्रोसीजर, इसके मैं ऐसे मोड़ के और ऐसे 3 फोल्ड करूँगी। 3 फोल्ड करके फिर आपको दिखाती हूँ। फोल्ड करके कुछ इस तरीके से काट दिया है। अब एक के ऊपर एक दो दो को स्टैक कर देंगे ताकि हमारे 8 स्टैक बन जाएं। ये 16 स्ट्रिप्स हैं। देखिए अब मैं करना क्या है, ये मेरे पास स्टिक्स जो चॉप स्टिक्स होती हैं वो नहीं थी, ये बहुत बारीक है, लेकिन इसी से ट्राई करते हैं। एक स्टैक को हम उठाएंगे इस तरीके से, इस पर लगाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद इसको हम इस तरीके से प्रेस करके और स्टिक जो है वो बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी फ्लावर की जैसी शेप आ जाती है इसकी। ऐसे ही बाकी भी कर लेती हूँ, ये देखिए ऐसे ही मैं बाकी भी कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद इसको रेस्ट पे रखेंगे हम कवर करके, और जब ये फूल जाएंगे लगभग 1.5 गुना हो जाएंगे तब हम इनको स्टीम करेंगे। तो पहले ये सारे बना लेती हूँ और इनको रख देती हूँ क्लिंग फॉइल से ढक के। तो देखिए स्टीमर में पानी स्टीम होना रख दिया है, इसको ढक रही हूँ मैं, और ये स्टीम हो जाता है तो इनको भी दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने इसी में ही रखे थे, कितने फूल गए हैं। तो ये क्लिंग फॉइल हटा के और फिर इनको रख दूँगी इनको पकने के लिए। 12 मिनट के करीब हमें इनको स्टीम करना होगा। तो लीजिए, हमारी चाइनीज़ फ्लावर बॉल्स बनकर रेडी हैं।
एक्चुअली गरम तो बहुत है, लेकिन मैं देखती हूँ अगर मैं हाथ में लेकर इसको आपको दिखा सकती हूँ तो इसकी आप सॉफ्टनेस देखिए। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखिए। तो आप भी इसको बनाएं, खाएं और हमें बताएं आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। मिलते हैं किसी और एक दिन किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस नए नए वीडियोस की मिलती रहें। और शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, थम्सअप दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय।